इधर बलौदाबाजार समाभाटा में कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आज आयोजन हो रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं 266 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी उनके द्वारा दी जाएगी। 264 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का आज शुभारंभ होगा। प्रदेश के किसानों को ये सौगात भी मिलने वाली है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त भी वहां पर दी जाएगी। 1895 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त आज जारी होगी। और वही 24 लाख 52 हजार किसानों को उनका फायदा भी मिलेगा। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्वप्निल लगातार बने हुए हैं। स्वप्निल, जिस तरीके से आज कृषक सह सम्मेलन का आयोजन होगा और कई किसानों को आज सौगात भी मिलने वाली है, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और सम्मेलन को लेकर कैसे तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, चुनाव के पहले कांग्रेस जो है वो प्रदेश के हर वर्ग को साधने का प्रयास करते हुए नजर आ रही है। इसके पहले महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, बिलासपुर में आवास सम्मेलन का आयोजन किया गया था और आज जो है किसान और श्रमिकों को साधने के लिए एक बड़ा आयोजन जो है वो भाटापारा जिले के सुमा भाटा में किया जा रहा है और इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। और इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे और इसके बाद एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो सुमा भाटा जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है वहां के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर 1 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें प्रदेश के जो किसान है 24 लाख किसान, उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन योजना, इसका भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रदेश के जो श्रमिक हैं उनको जो है पेंशन मुहैया कराई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज रखा गया है क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना हर साल जो है राज्योत्सव के दिन जारी की जाती है, लेकिन इस साल चुनावी साल है और अगले कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। तो इसके पहले ये कार्यक्रम के माध्यम से आज प्रदेश के 24 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। इसके साथ ही जो पेंशन योजना श्रमिकों के लिए लाई गई है, इससे प्रदेश के जो श्रमिक हैं वो लाभान्वित होंगे। तो ये कार्यक्रम आज चुनाव के पहले रखा गया और काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रखा गया। और इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी कुमार के चुनाव के दौरान ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। खड़गे जो है इसमें शिरकत करने वाले हैं। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।